मेरठ के थाना भावनपुर क्षेत्र के जय भीम नगर इलाके में हुए दर्दनाक हादसे में मरने वाले बच्चों के परिजन न्याय की मांग के लिए डीएम कार्यालय पहुंचे, जहां घटना से गुस्साए परिजनों ने आरोपी की गिरफ्तारी और मुआवजे की गुहार लगाई। इतना ही नहीं, गुस्साए परिजनों ने कलेक्ट्रेट के बाहर सड़क पर मृतक का शव रख कर जाम लगा दिया। कलेक्ट्रेट में आने वाले रास्ते पर पीड़ितों के परिजन बैठ गए और नारेबाजी करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग करने लगे। तभी पुलिस ने लोगों को खदेड़ दिया। वहीं लोगों का कहना है कि हादसे की वजह क्षेत्र का एक प्रॉपर्टी डीलर और पड़ोसी के द्वारा कराया जा रहा निर्माण है, जिसके लिए पड़ोसी के द्वारा उनके घर के बराबर में नींव खोदी जा रही थी और जरूरत से ज्यादा नींव खोदे जाने से उनका मकान दरक गया। उसका नतीजा ये रहा कि मकान भर भरा कर गिर पड़ा और इसी हादसे में एक मासूम की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। और हम यहाँ पर इसलिए आए हुए हैं क्योंकि हमारे जो घर है वो जय भीम नगर थाना भावनपुर में है और जो है हमारा जो मकान है वो 3 दिन पहले से कुछ डीलर और कुछ प्लॉट मालिक उसमें बुनियाद खोद रहे थे। हमने उनसे कहा कि हमारा मकान गिर जाएगा, लेकिन उन्होंने जो है गाली गलौज और उसकी गहरी खुदाई करके बेसमेंट जैसी खुदाई कर दी, जिससे हमारा मकान गिर गया और हमारा जो है पूरा घर तबाह हो गया। और इसके साथ साथ में जो सबसे बड़ी क्षति हमारे साथ हुई वो ये है कि हमारे छोटे भाई का बच्चा, जिसकी उम्र करीब 5 साल थी, जिसका नाम रचित था, वो मौके पर ही एक्सपायर हो गया। और हमारी जो माताजी हैं, मम्मी हमारी कमलेश देवी, वो अभी भी आईसीयू में दयावती हॉस्पिटल में एडमिट है। और मेरे जो छोटे भाई की पवन कुमार जिसका नाम है, उसकी जो लड़की है उसकी भी हालत बहुत ही सीरियस है, वो भी दयावती हॉस्पिटल में एडमिट है। और हम अब यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि हमारा 21 सदस्यों का परिवार है। हमारा मकान तबाह हो जाने की वजह से हम जो है रोड पर आ गए हैं बिल्कुल। अब शासन या प्रशासन हमारी जो भी कोई मदद या कुछ भी करेगा, हम उसी के लिए आए हैं। गौरतलब है कि कल थाना भावनपुर क्षेत्र के जय भीम नगर इलाके में एक मकान गिर गया था। इस हादसे में एक मासूम की दबकर मौत हो गई थी और आधा दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनका अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मेरठ से आदिल रहमान की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।